नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ता। ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक दर्पण की जरूरत है, जिसमें अपना मुंह देख सके, अपना प्रतिबिंब देख सके। जो लोग प्रेक्षा ध्यान की साधना में आए हैं, वे दर्पण की खोज में। एक एक्सरे की जरूरत है, जो गहरे में जाकर देख सके कि कहां फ्रैक्शन है, क्या बीमारी है या नहीं है, फेफड़ा बिल्कुल ठीक है या कोई क्षति है, पूरे शरीर की जांच कर सके, फोटो ले सके। दर्पण की जरूरत होती तो लोग यहां नहीं आते, बाजार में जाते, बहुत दर्पण मिलते हैं। एक्सरे कराने की जरूरत होती तो हॉस्पिटल में जाते, क्लिनिक में जाते, यहां नहीं आते, कोई जरूरत नहीं है। किंतु ऐसे दर्पण की जरूरत है जो केवल प्रतिबिंब को दिखाए ही नहीं, बदल भी दे। ऐसे एक्सरे की जरूरत है जो केवल बीमारी बताए ही नहीं, बीमारी को मिटा भी दे। आदमी दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, मुंह पर फोड़े फुंसियां होती है, रोष में आता है तो दर्पण को गालियां बकने लग जाता है। बेचारे दर्पण का क्या दोष, वह तो जैसा है वैसा दिखा देगा। दर्पण की यह शक्ति नहीं है कि वह अच्छा कर दे, फोड़े फुंसियों को मिटा दे या भद्दे को सुंदर बना दे। यह दर्पण में शक्ति नहीं होती। एक्सरे में फोटो आएगा, बता देगा, सूचना देगा कि कहां क्या है, किंतु बदलना उसका काम नहीं है। मानता हूं यह प्रेक्षा ध्यान एक दर्पण है और एक एक्सरे है, जो केवल प्रतिबिंब दिखाता ही नहीं है, बद्धेपन को मिटाता भी है, थोड़े फुंसियों को मिटाता भी है। यह एक ऐसा एक्सरे है कि जहां भीतर की गहराई में छिपी हुई बीमारियों को पता ही नहीं लगाता, सूचना ही नहीं देता, उन्हें स्वस्थ भी बना देता है और क्योर कर देता है, ठीक कर देता है, मिटा देता है। देखना, और सबसे बड़ा दुनिया का तत्व है देखना। और बहुत सारी बातें हैं, किंतु देखने जितनी शक्तिशाली बात दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले देखना ही होता है, जब देख लेते हैं तो फिर अगली क्रिया शुरू होती है। प्रेक्षा के साथ साथ दो बातें चलती है, एक देखना और दूसरे में प्राण की शक्ति। हम देखते हैं, एक ओर देखते जाते हैं, दूसरी ओर साथ साथ प्राण की शक्ति चलती जाती है। मनोयत्र मरुतत्र, जहां मन जाता है, जहां चेतना जाती है, वहां प्राण की शक्ति जाती है। बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि ध्यान किया बीमारी मिट गई, देखा बीमारी मिट गई। देखने का काम जानना है, देखना है, साक्षात करना है, पता लगाना है। पता लगा, देखा, बीमारी मिट गई। ये बीमारी मिटाना चेतना का काम नहीं है, चेतना का कोई काम नहीं है, वह मिटती है प्राण की शक्ति के द्वारा। किंतु जहां जहां चेतना जाती है, पीछे पीछे प्राण की शक्ति जाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं, या यूं समझ ले कि आगे चेतना और पीछे प्राण। जहां चेतना वहां प्राण चलेगा, चेतना देखती जाएगी और प्राण उसे स्वस्थ करता चला जाएगा। देखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखे बिना प्राण भी अपना काम ठीक नहीं करता। तो जब हम प्राण का प्रयोग करते हैं, प्राण की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, तो वहां चेतना का नियोजन जरूरी है। और जहां चेतना नियोजित होती है,
वहां प्राण अपने आप सक्रिय हो जाता है और काम करने लग जाता है। इसीलिए यह प्रेक्षा का अभ्यास किया जाता है। प्रेक्षा का अभ्यास करने में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ हमारे तर्क उलझा देते हैं कि हम अभ्यास करें तो आस्था को कहां टिकाएं। आज की दुनिया में बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं, न केवल आज की दुनिया में, वे कठिनाइयां सदा रही हैं, क्योंकि मनुष्य के सामने इतनी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में इतने लोग हैं। आदमी सोचता है कि प्रेक्षा का अभ्यास करूं, भावातीत ध्यान का अभ्यास करूं, विपश्यना का करूं, या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या करूं, कहां आस्था को टिकाऊं और कहां जमाऊं, ये प्रश्न उठता है। मैं उन्हें परामर्श देना चाहता हूं, कहीं भी आस्था न टिकाएं, न टिकाएं, किसी पर न टिकाएं। यदि आस्था को टिकाना हो तो केवल अपने पर टिकाएं, दूसरों पर कहीं भी न टिकाएं। जहां दूसरों पर टिकाएंगे आप धोखा खाएंगे, भटकाव होगा, हजारों हजारों कहां टिकाएंगे, भटक जाएंगे। सबसे पहले आस्था का केंद्र अपने आप को बनाएं। आपके मन में जिज्ञासा जागे, आपके मन में भावना जागे, मुझे सत्य को उपलब्ध होना है, मुझे आत्मा को उपलब्ध होना है, मुझे चैतन्य को उपलब्ध होना है, मुझे अपने आप को उपलब्ध होना है। तो अपने आप को उपलब्ध होना है तो फिर उपलब्ध तो होना है अपने आप को, आस्था टिकाएंगे किसी दूसरे पर, ये कोई संगति नहीं है, कोई मेल नहीं है बात में। आस्था अपने पर होगी, दूसरा पथ दर्शक हो सकता है, चुनाव पथ दर्शक का किया जा सकता है, किंतु सबसे पहले अपनी आस्था, अपनी आस्था। एक बात बताऊं जो सुनने में अटपटी लगेगी, पहले कोई आप निर्णय नहीं लेंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत वर्ष पहले की बात है, और पूछा कि बड़ा साहित्यकार था, अच्छा विद्वान व्यक्ति था, पूछा आप गुरु किसे मानते। मैंने कहा अपने आप को। बहुत आश्चर्य में पड़ा। पूछा क्या महावीर को नहीं मानते, मैंने कहा नहीं। आचार्य तुलसी को नहीं मानते, मैंने कहा नहीं। देखता रह गया कि क्या उत्तर मिल रहा। मैंने भी देखा ठीक है, चलने दो, क्या सोचता है, अभी क्यों इतना जल्दी ही इसका संशय दूर करूं। देखता रहा, बहुत आश्चर्य में डूब गया। तो फिर कुछ देर रुककर बोला कि बात समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं महावीर को मानता हूं, पर मैं महावीर को मानता हूं यह निर्णय मैंने किया या महावीर ने किया, किसने किया? ये निर्णय तो मैंने किया, निर्णायक मैं हूं, तो मैं अपना गुरु हूं, इसलिए मैं महावीर को गुरु मानता हूं। अगर मैं अपना गुरु नहीं हूं तो मैं महावीर को गुरु नहीं मान सकता। मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानता हूं, ये निर्णय मैंने किया या आचार्य तुलसी ने किया? अगर आचार्य तुलसी यह निर्णय करे तो फिर मुझे ही क्यों, सारे संसार को ही अपना शिष्य बना ले, बना सकते हैं। यह निर्णय मैंने किया है, तो निर्णय मैंने किया है कि मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानूं, तो निर्णायक मैं हूं या आचार्य तुलसी? मैं अपना गुरु हूं, इसीलिए मैं आचार्य तुलसी को अपना गुरु मानता हूं। जिस व्यक्ति की अपने प्रति आस्था नहीं होती, अपना अधिकारी हूं, हाँ, अपने अस्तित्व के प्रति भरोसा नहीं होता, अपने आप में नहीं टिकता, केवल दूसरों पर टिकता है, उसके लिए भटकाव भटकाव और भटकाव के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। मैं आचार्य तुलसी को इसलिए गुरु मानता हूं कि आचार्य तुलसी ने मुझे यह सिखाया कि अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और अपने भीतर में जाओ,
इसलिए मैं आचार्य तुलसी को गुरु मानता हूं। अगर आचार्य तुलसी मुझे ये सिखाते कि मुझे समर्पित कर दो, मुझे ही मानो, मुझे ही मान कर चलो, मुझे ही देखो, तो शायद मुझे सोचना पड़ता, तो सोचना पड़ता कि आचार्य तुलसी को गुरु मानूं या नहीं मानूं। और अगर आचार्य तुलसी को ही मानूं तो आचार्य तुलसी को ही क्यों मानूं, दूसरे को क्यों नहीं मानूं, मुझे जरूर सोचना पड़ता। महावीर ने यही सिखाया, संपिक्खये अपगमप्पयेनम्, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं सत्य को खोजो, अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य को खोजो। अगर महावीर ये सिखाते कि सत्य की खोज का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा तो बस इतना ही है कि मैं कहूं वह मानते चले जाओ, आंख मूंद कर मानते चले जाओ, तुम तो बस इतना ही कर सकते हो, तो शायद महावीर को भी गुरु मानने का मेरा मन तो नहीं होता। महावीर को गुरु इसलिए मानते हैं कि महावीर ने यह नहीं कहा कि मैं कहूं वह मानते चले जाओ, किंतु यह सिखाया कि स्वयं तुम सत्य को खोजो और अपने आप सत्य को खोजकर अपने पथ पर चलो। जो गुरु, जो आचार्य इतनी स्वतंत्रता नहीं देता अपने शिष्य को, मैं समझता हूं कि वहां एक प्रबुद्ध शिष्य तो उसका शिष्य नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो ये दूसरों पर आस्था रखने वाली बात में बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सत्यनिष्ठ आचार्य होगा, गुरु होगा, वह अपने शिष्य को यही बताएगा कि आस्था का केंद्र अपने अस्तित्व को बनाओ, और कोई पथ दर्शन लेना हो तो लो। बांधते नहीं है गुरु, कोई नहीं बांधता।